हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे 10वीं विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को मेरे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कीजिए। इसमें बहुत सारी आपको जानकारी दी गई है। 10th 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियो पर डाले जा चुके, चैनल पर डाले जा चुके हैं। आप नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उनको देख सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सकें और एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके बच्चों, चैनल पर बने रहिए। चलो बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। अगर जिनको जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अगर आपको परचेज़ करना है तो 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्पेशली मैथ, मैं पहले बता रहा हूँ आपको स्पेशली मैथ का आपको स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा चाहिए तो आप 100 रुपीज़ पे करके आप ये सब कुछ परचेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। तो मैं आपको ये ब्लूप्रिंट दिया गया है इसका पूरा का विज्ञान का, तो मैं आपको देता जाता हूँ। ये आपके MCQ क्वेश्चन हैं, नीचे आंसर दिए गए हैं, इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इनकी खुद की PDF बना सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा और आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये है अगला, इसके बाद ये है MCQ, आंसर दी गए हैं इनको। अगर आपको कोई गलत लगता है तो आप अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। ठीक है, नहीं तो मुझसे भी आप चाहो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको कोई भी जानकारी पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये MCQ चल रहे हैं, इनको आप ज़रूर नोट कीजिए और इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद की PDF भी बना सकते हो। आंसर दिए गए हैं तो फालतू में अगर आप चाहो तो वीडियो को आगे स्लाइड कीजिए, थोड़ा सा रोक कर खुद अपने टिक कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। नोट करने में काफ़ी टाइम जाएगा इसलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप इनको आंसर देख कर। ठीक है, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा चाहो तो आप। ओके बच्चों, तो ये MCQ चल रहे हैं। जैसे मानव नेत्र में उपस्थित होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बस ऐसे पढ़ते जाइए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किससे? पच्छामी द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप खुद रिवीजन कर सकते हैं। ओके बच्चों, आंसर दिया गया आपको तो आप ज़रूर इनको ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पढ़ा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है तो कौन सा है? दवा की बोतल। ओके, तो ये फिलिंदम लेंस है। जैसे आप पढ़ते सिलेक्ट करते जाइए। श्वसन एक कैसी क्रिया है? अभी ऊष्मा छिपी क्रिया है। चूने के पानी के सूत्र ये होता है। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से मेरे ख्याल से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिए जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो सके। ओके बच्चों, तो इनको आप करते जाइए, मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए इनको और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चाहो तो आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो मात्र 100 रुपये में। ठीक है, इसके बाद 11th पेज है ये वाला, ये है 12th पेज। ठीक है, ये 11th पेज चल रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते हुए जाइए। या बात नहीं है आपकी मैचिंग्स, तो मैचिंग दी गई हैं, इनके आंसर दिए गए नीचे, इनके आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये सेकंड मैचिंग है, ये सेकंड और थर्ड मैचिंग है ये वाली, इसके बाद ये वाली मैचिंग आप कर लीजिए, फिर ये कर लेना मैचिंग, और ये मैचिंग दूसरी दी गई है बगल से एक शब्द के उत्तर दी गए, इनको भी आप अच्छे से कीजिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। तो मैं चाहता हूँ आपके फुल मार्क्स आएँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई समस्या ना पैदा हो। लेंस सूत्र ये दिए गए, शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है, ये सब आपके आंसर दिए गए हैं, इनको आप स्लाइड करते करते भी आप रीड कर सकते हैं। ओके, ये दिए गए हैं एक शब्द में उत्तर, इसके बाद ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी 10th क्लास और 12th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट्स MCQ के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।